जल्दी आ। बस बेटा ऊपर आ रहा है। बस 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 जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे एकदम से खैरियत से हूँ। और आज हम आए हैं जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद। चलिए आपको भी अंदर लेकर चलते हैं। अब हम यहाँ से अंदर चल रहे हैं, ये बाहर की तरफ का नज़ारा है। चलें अंदर चलते हैं। ये सब लेडीज़ बैठी हुई हैं, नमाज का वक्त है इसलिए अभी मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। काफ़ी क्राउड हो चुका है, अब नमाज होने वाली है, अभी हुई नहीं है। जैसे ही होगी इंशाल्लाह हम अंदर चलेंगे, ठीक है आपको लेकर। अब हम चलते हैं अंदर, इस वाले गेट से चल रहे हैं। गेट तो वैसे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो लोग किस तरह से यहाँ पे अब एंट्री कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है। अभी कुछ लोग ना नमाज वैसे पढ़ ही रहे हैं, जमात हो गई है आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे दूर दूर से जामा मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और कुछ लेडीज़ हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए स्पेशली आती है। वो सब चीज़ें भी आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। गाइस देखें अभी नमाज का वक्त है और नमाजी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो एक अलग बात है कि मुझे इनकी वीडियो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने ले ली क्योंकि जमात हो चुकी है और बस ये कुछ ही लोग बाकी थे, तो इस वजह से मैंने इनकी वीडियो ले ली है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और सारी चीज़ जो है मैं एकदम से आप लोगों को डीपली दिखा रही हूँ कि लोग यहाँ पे कितना लोग मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे लोग बाहर की तरफ पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, दूर दूर से घूमने के लिए भी आते हैं, खाना खाते हैं, परिंदों को भी खिलाते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं पूरी वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको ये ऊपर तक दिखा रही हूँ किस तरह से ये लाल पत्थर से बना हुआ है, नीचे भी लाल पत्थर लगा हुआ है और ऊपर भी। अल्लाह ये क्यों चिल्लाने लगे, देखो तो ज़रा। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं, शायद हम इनके रिक्शा में बैठ गए इसलिए। आओगी वहीं पे खड़ी रहोगी क्या? जल्दी आओ भाई, आगे भी जाना है। आप देख सकते हो गाइस सब लोग कैसे कैमरा की तरफ देख रहे हैं ना, उतर जाते हैं बाबा, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे ना। चले कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं फिर जाकर अंदर बातें करते हैं। आ रही हो तुम मेरे साथ में? हाय एवरीवन, आपने मुझे लास्ट वीडियो में भी देखा था सना के साथ। और मैं हर वीडियो में आ जाती हूँ और बाद में मैं फिर रोती हूँ, नहीं मुझे वीडियो में नहीं लेना। अब देखोगी ऊपर बात करोगी? नहीं पहले इन्होंने बता चुकी है मेरे बारे में तो। और आज हम दोनों कहाँ पे आए? जामा मस्जिद आए हम लोग। और दोनों? और हम दोनों दो प्रेमी। अल्लाह वीडियो हिल रही है। पागलों की कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ, आप देख सकते हो मौसम बहुत अच्छा है और सब लोग फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। अच्छा तो बहुत लग रहा है वैसे, यहाँ पे आने के बाद ना माइंड फ्रेश हो जाता है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही है वैसे, देखना कैसे बैठे हुए हैं सब लोग फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। आप देख सकते हो क्राउड बढ़ने लगा है और मैं आपको ना मीनार दिखा रही हूँ ऊपर की तरफ। देखें ऊपर से ये सारी चीज़ आपको दिखा रही हूँ, मीनार इस तरह की बनी हुई है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं वो स्पेशली
जामा मस्जिद को देखने के लिए ज़रूर आएँ। सच में बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जब आप यहाँ पे आओगे ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और यहाँ पर आकर ना नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको गुंबद थोड़ा पास से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह की गुंबद है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये सूरज की वजह से ना कैमरा पे लाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से वीडियो में अंधेरा सा आ रहा है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। और आप देख सकते हो कैमरा मैंने इधर घुमाया, थोड़ा सा साफ आया। ये देखिए बच्चों की मस्ती, खेल कूद, सब बहुत मस्ती कर रहे हैं। और हमारा ना अचानक से प्लान बन गया गाइस। अब हम आ गए हैं अंदर की तरफ, और मैं भी जाकर देख लेती हूँ अभी नमाज़ हो रही है या नहीं। कुछ लेडीज़ हैं जो नमाज़ पढ़ रही हैं, फिर भी मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे ऐसे अंदर आना मस्जिद में वीडियो के लिए परमिशन नहीं देते हैं। अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, हो तो रही है नमाज़ वैसे। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं, अभी इंतज़ार कर लेते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे। अच्छा तो नहीं लगेगा कि नमाज़ पढ़ते में आप लोगों को दिखाएं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की कि अभी नमाज़ हो रही है। चलिए देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप लोग बाहर की तरफ से देख लीजिए, इस तरह से है, ये सब रेड 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 है चारों तरफ से ना, इस तरह से नज़र आता है। अभी आप देख सकते हैं ये नमाज़ पढ़ रही है ना, फिर भी मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ किस तरह की नक्काशी यहाँ पे हुई है। छतों में इस तरह के ये मेहराब बने हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो ये मेहराब हैं, और इसमें इस तरह की डिज़ाइनिंग है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये नीचे पत्थर इस तरह का बना हुआ है, और इस पत्थर पे ना ये जानमाज का इस तरह से जानमाज बनी हुई है, मतलब बिना जानमाज के भी आप नमाज़ अदा कर सकते हो यहाँ पे। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आप ये देखिए छत में ऊपर की तरफ इस तरह से नज़र आती है, ये देखें इस तरह से है, ये नज़र आ रहा है। अभी अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता है। ये आप देख रहे हैं ना, नहीं तो फिर मसला होता है नमाज़ में, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ना। देख रहे हैं आप ये इस तरह, ये सब लाल पत्थर से बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है वैसे। और एक चीज़ है, किसी भी कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब इस तरह से मतलब चमकता रहता है हरदम ये ना। ये देखें आप, ये दुल्हन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इन दुल्हन को ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है ना। आप देखो ये दुल्हन जो है कोने में खड़े होकर अपना फोटोशूट करा रही हैं। आप देख सकते हैं मैंने दुल्हन से परमिशन ली, पर उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं दी। उन्होंने बोला नहीं मैं तुम्हारे साथ पिक नहीं कराऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मत कराइए यार। दूसरी तरफ चलते हैं, ये देखें भाई साहब कैसे खड़े हैं, बस हमें ही देख रहे हैं कि कैमरा से बातें कर रही हैं और बस कुछ नहीं। ये देखें आप इस तरह, इधर यहाँ पे सब लोग वजू कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैठते हैं वजू करते हैं। देखें ये माशाल्लाह से वजू कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे अभी। ये आंटी आ गई हैं अब, और अब ये भी नमाज़ पढ़ेंगी, वजू करने के लिए बैठी हैं। और ये बिल्कुल साफ़ और पाक पानी है। देखिए ये सब चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं आंटी के पास जाती हूँ, ठीक है, उनसे कुछ मालूम करना है मुझे, चलते हैं अभी। आंटी वजू कर रही हैं यहाँ, और उनकी सिस्टर जो है वेट कर रही हैं, वो बोल रही थी कोई बात नहीं बेटा, पहले आप यहाँ पे वजू कर लो और मेरी बहन आएंगी पीछे से, फिर बाद में वो वजू कर लेंगी। मैंने कहा पहले उन्हीं को वजू करने देते हैं। अब आंटी बैठ गई हैं वजू करने के लिए, आप देख सकते हो इधर। यहाँ पे ये लड़के भी वजू कर रहे हैं, तो यहाँ मेल फीमेल दोनों नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखें वजू करने के बाद फोटोग्राफी में लग गए हैं ये भाई साहब, चारों तरफ से आप देख सकते हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं,
और मेरे जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, इन मैडम को देखिए, ये कैसे वीडियो बना रही हैं चारों तरफ से। उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोगों को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे फैमिली परिंदों के लिए बाजरा लेकर आती है, पलट रहे हैं, देखें यहाँ पे सब लोग जो भी यहाँ पे बाजरा लेकर आते हैं ना, पलट देते हैं और परिंदे यहाँ पर आकर अपना खा लेते हैं। अरे बाजरे मार रहे हैं वो, जल्दी चलो। हाँ वो तो वीडियो बना रही थी बाजरा डालते हुए। तुम्हारा कहीं तुम्हारे को कंप्लेन ना कर दे। क्यों डिलीट ना करवा दे, वो देख रही, देखने दो। बत्ती जलती है ना तुम्हारी, इसलिए पता चल जाती है वीडियो बन रही है।